हेलो गाइस। और वहीं पर अभी तक हर्ष बेनीवाल का रिप्लाई नहीं देखने को मिला था। ईसीएल के मैच में कुछ बोला तो था बट उन्होंने क्लियर नहीं करा था। तो वहीं पर अब उनके दोस्त है पवन चेची, उन्होंने रिप्लाई दिया है। क्या कहा है ओपन चैलेंज देते हुए, मैं उनकी छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ। राम जी, राम राम भाई। तो पहले तो भाई ये वीडियो देखो आजाद खान की। सुन ले भाई, ये वो इंसान है जो सेलिब्रिटी है, ठीक है, खुद के बच्चे हैं, खुद की भी बहन है, खुद की फैमिली है, दूसरे फैमिली के लिए बोल रहा है, इतनी तमीज़ है बात करने की। और जो उसे फॉलो कर रहे हैं भाई, उनसे बोल रहा हूँ मैं। अब हम वीडियो बना रहे थे हिंदू मुसलमान मत कर दिए बात पर, क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यो इंडिया है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। अगर तुम असली मुसलमान हो ना, यान फॉलो कर दो, यान फॉलो कर, क्योंकि बहन बेटी सबकी होती है ना, तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबकी बैठ लिए खा लिया ना बात, अब तो झोंकते नहीं हो भाई, गाली देना तो बहुत दूर की बात। भाई सुन, जो इसे फॉलो कर रहे हैं अनफॉलो फॉलो कर दो भाई। और दूसरी बात, हमारी किसी को लड़ाई ना हो, हम सिर्फ गलत के खिलाफ आज भी खड़े, कल भी खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। समझ गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत हो ना तो डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए, हमसे मिल लीजिए, जहां कहे वो हम मिल लेंगे। बात खत्म, 3 दिन का समय लीजिए, हमें ऐसा टाइम दे। अरे काहे को। और वहीं गाइस, जब राजवीर फिटनेस की बात चली रही है तो आपको रिसेंट टाइम में याद होगा जहां राजवीर फिटनेस के साथ भी इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। तो वो मुंबई लोकेशन कर रहे थे, तो वापस राजवीर फिटनेस मुंबई जा रहे हैं और अपना एड्रेस भी शेयर कर चुके हैं। और क्या कहा है उन्होंने, हमें ऐसा लगे पहले कुछ कमी रहेगी, क्यों पाजी कमी तो पहले भी कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा फुतूर की कमी रहेगी। हाँ। तो कुछ नु कह रहे हैं 2 मिनट को गए मुंबई, अब 2 मिनट में वापस आ गए। अब क्या हमारा भाई 2 दिन को जा रहा हो, ठीक है, पूरा 2 दिन को, 48 घंटे हो, 3 दिन पहले बता चुका हूँ। दे टाइम कोई दे, 3 दिन का समय, हमें ऐसा टाइम दे। अरे खाए को, 5 मिनट को आके उल्टा चला जाना बेटा, मान जाऊ कसम। देखो हमारा शेर फिर के जा रहा हूँ, आपका 2 दिन को जा रहा, 2 मिनट वाला सिस्टम ही खत्म, आपका फितूर निकल जाएगा चीज को। क्यों इवेंट में जा रहे हैं, अवार्ड लेने जा रहे हैं, अवार्ड लेने जा रहे हैं, इवेंट खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में इवेंट ना खत्म हो तो शेर तरीके जा रहा हो, तरीके से वापस आ जाओ, ठीक है। अकेला जा रहा हूँ और बताओ, यही बिल्कुल अकेला, यही बारी ठाकुर साहब कह दे यार, डरे कभी बता। पहले तो फिर भी मेरे साथ 2-3 भाई यादव साहब गेल खड़े हैं, ठाकुर साहब जाने को तैयार खड़े हैं, दिक्कत आ कहां रही है मुझे नहीं बताओ, तो दिक्कत ना आवे, ठीक है, जिन पर पहले बालना पड़ा आपके पाड़ लियो, ठीक है। आई होप फॉर द बेस्ट, बाकी जहां तक बात है किसी ने कुछ बोला। वहीं गाइस, फुकरा इंसान का भी रिप्लाई देखने को मिल गया है जहां उनको काफी ज्यादा हीट मिल रहा है। एलवी शादव ने भी उन्हें ट्रोल करा था, क्या कहा था मैं इनको छोटे से क्लिप आपको दिखाता हूं। अभिषेक बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी, आपकी टीम लगातार मैचेस हार रही है, आप तब खामोश रहे, एलवी ने काफी कुछ कहा, आप तब भी खामोश रहे, लेकिन कल आपने एक इंस्टा स्टोरी डाली जिसमें आपने कहा कि जो आपके प्लेयर्स हैं, आपकी फैमिली, इनको लेकर कुछ मत कहो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आफ्टर द लास्ट मैच हमारी टीम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज यार दे हैव बीन वर्किंग अ लॉट, मतलब इतना उन्होंने हार्ड वर्क करा 2 महीने से, देवर लाइक प्लेइंग रेगुलरली, तो दीज जो रिजल्ट्स आए देवर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन बाकी सारी टीम के प्लेयर्स ने आके बोला कि यार यू हैव सच अ गुड साइड, फिर भी वो मतलब एक वो पुल ऑफ नहीं कर पा रहे, एक विन पुल ऑफ करने की देरी थी, बट